नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। एक दिन पहले उत्तराखंड के हरिद्वार से एक बड़ी खबर सामने आई थी। एक मोहल्ला है जहां से 8 महीने का बच्चा गायब होने की खबर सामने आई थी। कहा गया था कि एक साधु शनिदान मांगने आया था, अब बच्चे को उठाकर ले गया। लोगों का भी दावा यही था कि हो ना हो साधु ही बच्चे को ले गया है। ये मामला जब ज्यादा गंभीर हुआ तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के SSP को बच्चे का जल्द से जल्द पता लगाने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में पुलिस ने कल आखिरकार बच्चे को ढूंढ ही निकाला था। बच्चा जो है वो 2 महिलाओं के पास से मिला था। हालांकि पूछताछ पर महिलाओं ने बताया था कि उनको बच्चा किसी संजय नाम के व्यक्ति ने दिया था, लेकिन फिर भी ये सामने नहीं आ पाया था कि आखिर बच्चे को उठाने का मकसद क्या था। पुलिस इसकी जांच कर रही है। इसी मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है। बच्चों को क्यों उठाया गया था इसका खुलासा हो गया है। बता दें कि पुलिस को इन 2 महिलाओं और उसके परिवार पर शक होने पर घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड को बुलाकर बच्चे के कपड़े और अन्य सामान सुंघाकर खोजी कुत्ता भी उनके घर पर गया, जिससे पुलिस का शक और मजबूत हो गया। सभी संदिग्धों लोगों के मोबाइल नंबर से उनकी लोकेशन और संपर्क में आने वाले लोगों की जाँच करना शुरू की गई। रविवार को संदिग्ध नंबरों की लोकेशन भारत माता मंदिर के पास पाए जाने पर तुरंत टीमों ने क्षेत्र की घेराबंदी कर ली। पकड़ी गई महिलाओं रूबी आशा से पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद अपहरण मामले में शामिल किरण, अनीता, सुषमा निवासी मोहल्ला कड़कच और कपड़ा कारोबारी संजय की पत्नी पारुल को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि किरण, सुषमा और अनीता ने मिलकर बच्चे का अपहरण किया था। उन्होंने बताया कि रविंद्र के घर के बराबर में रहने वाली किरण ही मौका पाकर सोते बच्चे को उठाकर लाई थी। उसने दूसरी गली में रहने वाली सुषमा को बच्चा सौंप दिया। सुषमा ने पड़ोस में रहने वाली अनीता को दिया। अनीता बच्चे को लेकर आशा कार्यकर्ता रूबी के हवाले किया। रूबी और आशा ने शनिवार को ही संजय को बच्चा सौंप दिया था। संजय ने इसके लिए 50,000 रुपए उन्हें दिए थे। बाकी के 2 लाख रुपए बाद में देने का वादा किया गया था। इसके बाद संजय बच्चे को अपनी पत्नी के पास ले गया। जब बच्चा चोरी की सूचना फैली तो संजय डर गया, जिसके बाद उसने रूबी और आशा को फोन किया, भारत माता मंदिर के पास बुलाकर बच्चा उन्हें वापस कर दिया और इसी बीच तीनों को पकड़ लिया गया और सारे मामले का खुलासा हो गया। तो फिलहाल अभी के लिए हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।